एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपस टाइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ और क्वेश्चंस, और शायद इसी में जो है एनिमल हस्बेंड्री और उससे एग्रीकल्चर और सॉयल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्रीवियस पेपर है, 2018 में हुआ था कोई पेपर, उसी में से है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट वॉज द अस्थाना कवि इन द कोर्ट ऑफ विच वन ऑफ दीज किंग्स। किसके राज दरबार में जो है बाणभट्ट कवि थी? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या चंद्रगुप्त? तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं कि बाणभट्ट जो है वो किसके वहाँ पर कवि था, हर्षवर्धन के टाइम पे। बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर चुके हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी, और पता है बाबर और लोदी के बीच में हुई थी। बाबर जीत गया था, लोदी हार गया था। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं दोनों ही। आगे देखते हैं, भरतनाट्यम इज ए डांस फॉर्म ऑफ केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो पहले तो ये बताना चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य है कितने, टोटल 8 है। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। केरला के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो केरल से रिलेटेड है कथकली, और दूसरा जो है वो है मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये दो जो हैं किससे रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। एक और पूछा जाता है उधर से, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 हो गए हैं। ठीक है, 4 हो गए हैं। एक उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है कथक। कथक भी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर पूछा जाता है, तो वो कहाँ का है? मणिपुरी, मणिपुर का है। ओडिसी, ओडिशा का है। और जो लास्ट पूछा जाता है वो क्षत्रिय है शायद। ओके, तो ये जो है क्लासिकल डांस है। इसके अलावा महाराष्ट्र का फोक डांस पूछा जाता है, वो कौन सा पूछा जाता है? लावणी। लावणी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक, अगला देखिए, द भारतीय महिला बैंक वॉज मर्ज्ड विद भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय महिला बैंक का जो है किसके साथ विलय कर दिया गया था? SBI के साथ। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर एट द एज ऑफ ईयर्स 70, 58, 62 या 65। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो रिटायर की एज होती है वो कितनी होती है? 65 होती है। ओके, एज पर 2011 सेंसस, विच स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा थी? तो वो थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2016 वॉज वॉन बाय, ओके 2016 की नहीं 2018 की बात करते हैं हम, तो लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज था 2018 में किसी को भी नहीं दिया गया। ओके, 6 फील्ड में दिया जाता है ये लिटरे अवार्ड की अगर बात करें, नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 5 ही उसमें दिया गया, लिटरेचर का जो है नोबेल प्राइज इस बार नहीं दिया गया है। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें नन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि 2018 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसी को दिया ही नहीं गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मालगुडी डेज वॉज रिटर्न बाय आर.के. नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, आर.के. लक्ष्मण या जवाहरलाल नेहरू। तो मालगुडी डेज किसने लिखी है? ये लिखी है आर.के. नारायण ने लिखी है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है, ये छोड़ दीजिए, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष जो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 फरवरी, 21 जून या 5 मार्च। तो किस दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच डिनेस्टी बिल्ट टेम्पल्स इन महाबलीपुरम इन तमिलनाडु? पांड्या, चोला, पल्लवा या चेरा। महाबली के पुरम के जो मंदिर है तमिलनाडु में, वो किसने बनवाए हैं? पल्लव वंश के शासकों ने। ओके, नेक्स्ट है, डांडी फ्रॉम वेयर द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज इनिशिएटेड बाय गांधी जी इज इन महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या कर्नाटक। जहां से
नमक सत्याग्रह आरंभ किया था 1930 में डांडी, वो जगह कहाँ पर है? तो ये तो सभी को पता होगा, वो जगह है गुजरात में। अगला है, क्रोमोसोम इज ए पार्ट ऑफ एटम, टिश्यू, डीएनए या ब्लड? तो क्रोमोसोम गुणसूत्र किसका भाग होती है? डीएनए का भाग होती है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवर्स, कार्निवर्स, हर्बीवर्स या बाइवर्स। एक मतलब उन्हें क्या कहा जाएगा जो पौधे और अन्य पशुओं को भी खा जाए, जो पौधों को भी खाए पशुओं को भी खाए, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सर्वभक्षी, मीन्स ओमनीवर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है, द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल इज अबाउट मीटर इन लेंथ, मतलब कितने मीटर की होती है मानव आहार नाल की लंबाई? तो कितने मीटर की होती है? 9 मीटर की होती है, 9 मीटर की जो है लंबी होती है। ठीक है, इन विच, नेक्स्ट है, इन विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नोबल गैसेज प्लेस्ड? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है नोबल गैसेज जो है, 6 नोबल गैसेज है, उन्हें किस प्लेस पर जो है रखा गया है? सेकेंड पर, फोर्थ पर, ट्वेल्थ पर या 18th पर? तो नोबल गैसेस को रखा गया है 18th प्लेस पर, ठीक है, 18वें स्थान पर। नेक्स्ट है, नेम द कंपाउंड Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट। तो किसका है ये फॉर्मूला Na2S2O3? तो ये है सोडियम थियोसल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए विच टाइप ऑफ लेंस? कॉन्वेक्सो कन्वेक्टिव, कनकेव कन्वेक्स या कॉनकेवो कन्वेक्स? तो मैग्नीफाइंग ग्लास में किस तरीके का लेंस जो है यूज किया जाता है, किस टाइप का लेंस यूज करते हैं? तो उसमें यूज किया जाता है उत्तल लेंस का, मीन्स कन्वेक्स लेंस का। तो सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला है, द एटोमिक नंबर ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज ग्रेटर देन 82, नॉट डिफाइंड, एट लीस्ट 80 या लेस देन 80? नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो वो होता है 82 से ज्यादा। तो ग्रेटर देन 82 जो है सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल विद एसिमेट्रिकल बॉडी इज क्रैब, जेलीफिश, स्पॉन्ज या स्टार फिश? असममित शरीर वाले पशु का उदाहरण कौन सा है इसमें? स्पंज। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे। अगला है, देयर आर चैम्बर्स इन हार्ट ऑफ ए फ्रॉग, एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो कितने कक्ष होते हैं मेंढक के दिल में? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, देयर आर 3 चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ ए फ्रॉग। नेक्स्ट है, द फोर लिम्स इन बर्ड्स हैव बीन मॉडिफाइड इन टू विंग्स, बीक, एयर कैविटीज या एयर सैक्स? पक्षियों के जो आगे के पैर हैं वो किसमें संशोधित हुए हैं? क्या हो जाएगा सही आंसर यहां पे? पंख के रूप में, ठीक है, आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स। अगला है, द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स, नेफ्रिडिया या नर्वस? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द कलर ऑफ ब्लड इन ए कॉकरोच इज रेड, व्हाइट, ब्लू या ग्रे? तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफेद होता है। ठीक है, विच ऑफ दीज फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करती है, जिस प्रक्रिया को मतलब पौधों में नहीं प्रभावित करती उसका बताना है। वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड या कलर ऑफ द सोयल? तो कौन सी है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करती है? तो वो है कलर ऑफ द सोयल, मृदा का रंग जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इन द टर्म ग्लाइकोलिसिस द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज मीन्स, ग्लाइकोलिसिस शब्द जो है वो यूनानी शब्द ग्लाइकोज से आया है, तो उसका अर्थ क्या है? सॉल्ट है, ऑक्सीजन है, वाटर है या सुगर है? तो क्या है ग्लाइकोज का मीनिंग? सरकरा। ठीक है, डैश इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर टू द स्टिग्मा इन,
पराग कणों को फूलों के पराग कोश से गर्भ केशर को स्थानांतरित करने का तंत्र क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इन द फ्लावर्स। द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सीपल्स इज कॉल्ड, फूल का जो है सबसे बाहरी चक्र जो बाह्य दल से बना होता है क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज कहलाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? बाह्य दलपुंज, जो बाह्य दल से बना है वो बाह्य दलपुंज कहलाएगा, ठीक, कैलिक्स कहलाएगा। द हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियन ट्री आर कॉल्ड रूट्स, एडवेंचियस स्टिल्ट प्रॉप या टैप। केले के वृक्ष का आलंब प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं क्या कहलाती हैं? क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है प्रॉप, यानी कि सहारा, ठीक है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम या निकल। तो बॉक्साइट किसका ऐसा है? एल्यूमिनियम का ऐसा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। द अर्थ आउटर कोर इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन एंड निकल या हीलियम एंड सल्फर। जो पृथ्वी का बाह्य कोर होता है वो किससे बना होता है? किससे बनता है? लोहे और निकल से, तो आयरन एंड निकल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डैश इज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ नेचुरल गैस, मिथेन, प्रोपेन, इथेन या ब्यूटेन। तो कौन सा होता है प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन? मिथेन, ठीक है। द पीरियड बिटवीन अक्टूबर टू मार्च इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल, रबी, खरीफ या जैद। तो हमने पहले पढ़ा है खरीफ की फसलें जो हैं वो अक्टूबर तक जो है काट ली जाती है, बुआई शुरू हो जाती है, कट जाती है। तो अक्टूबर से मार्च के लिए वो किसके लिए सूटेबल होता है? किसकी बुआई के लिए सूटेबल होता है? रबी की फसलों की बुआई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द डीकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ एनिमल डंग एंड यूराइन इज रेफर्ड टू एज फर्मेड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, पोलेट्री मैन्योर या फर्टिलाइजर्स। पशुओं गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इस मिश्रण को? इसे कहते हैं खेत की पास। क्या कहते हैं? खेत की पास। नेक्स्ट है डैश इज ए ल्यूगमिनियस क्रॉप, फलीदार फसल कौन सी? इसमें सरसों, मटर या कॉफी या ज्वार। तो कौन सी है? पीस है। मटर क्या है? एक फलीदार फसल है, ल्यूगमिनियस क्रॉप है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑन मई 22, मार्च 21, दिसंबर 14 या जुलाई 29। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है फॉरेस्ट मेकअप अबाउट परसेंट ऑफ टोटल लैंड कवर ऑन द अर्थ, वनों का कितना प्रतिशत है पृथ्वी पर कुल? तो कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? 30% की। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके सॉरी, अगला है द डैश फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द टियागा, कॉनिफेरस, बोरियल, टैम्परेट या ट्रॉपिकल रेन। तो किन वनों को जो है टियागा कहा जाता है? तो बोरियल जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें टियागा कहा जाता है, ठीक है। ऑटम लीफ कलर फिनोमिनन अकर्स इन, तो कहाँ पे जो है ये अकर होता है? वसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना कहां पर होती है? ये समशीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ठीक है, समशीतोष्ण जो है सही हो जाएगा यहां पे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन जंगल इज एन एग्जांपल ऑफ, अमेजन जंगल जो किसका एग्जांपल है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एग्जांपल है अमेजन जंगल। व्हाट डज एन ऑटोमोबाइल एमिट कार्बन मोनोऑक्साइड द मोस्ट, जब एक मोटर यान कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कब करता है? व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड, व्हेन द ऑटोमोबाइल इज इन मोशन, व्हेन द स्पीड इज रिड्यूसिंग या व्हेन द इंजन इज इडलिंग। जब इंजन क्या होता है? निष्क्रिय होता है, ठीक है, तब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है। Which gas leakage in 1984 led to the Bhopal gas tragedy? Nitrous oxide, carbon dioxide, methyl isocyanate, chlorofluorocarbon. तो भोपाल गैस की जो त्रासदी हुई थी 1984 में वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। तो ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बेस्ट मैथड टू मैनेज न्यूक्लियर वेस्ट,
फैब्रिकेटिंग फ्यूल यूजिंग द वेस्ट, डीप एंड परमानेंट लैंड ब्यूरियल, रिलीज ऑफ वेस्ट इनटू द डीप सी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एक्सेस न्यूक्लियर पावर। नाभिकीय कचरे का प्रबंधन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, कि जो भी कचरा है उसे क्या करें, गहरे समुद्र में डाल दें, रिलीज ऑफ वेस्ट इनटू द डीप सी। ठीक है, हाउ आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्लासिफाइड, रेसिडेंटल, कमर्शियल एंड ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डियस वेस्ट, रबिश, स्पेशल वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम ओपन एरियाज, फूड डिमोलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। तो ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे किया गया है, नगर पालिका, औद्योगिक और खतरनाक कचरा के रूप में। ठीक है, द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज मेनली कंटेन्स फ्री ऑयल एंड ऑयल इन इमल्सीफाइड फॉर्म, व्हाट डिवाइस हैव टू रिमूव द फ्री ऑयल फ्रॉम वाटर। ठीक है, जल से जो है उस तेल को हटाने में कौन सा उपकरण मदद करता है, तो वो मदद करता है ग्रेविटी सेपरेटर हैविंग ऑयल स्कीमिंग डिवाइस, यानी कि तेल छाटने के उपकरणों से युक्त ग्रेविटी स्प्रेटर। ठीक है, एन अल्टरनेटिव वर्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फिश फार्मिंग, फिश ग्रोइंग, फिश न्यूट्रिंग या एक्वा कल्चर या एक्वा टेक्नोलॉजी। तो फिश फार्मिंग, मछली पालन के लिए कौन सा वर्ड है, एक्वा कल्चर, मत्स्य पालन। ठीक है, द सिस्टेमैटिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज रेफर्ड टू एज बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या कंजर्वेशन। तो सिस्टेमैटिक मैनेजमेंट किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, क्या कहेंगे उसे, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रीज, वाइंड, कोयल या वॉटर, अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण देना है कि कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत, कोयला। ठीक है, कोयल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, द सम ऑफ द होल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड और इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड, विश्व या एक आवास विशेष में पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का योग क्या कहलाता है, क्या कहेंगे उसे, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक है, अगला है, इन इंडिया द एनुअल ट्री प्लांटिंग इवेंट वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, वन महोत्सव जो है किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जुलाई के महीने में। केमिकल वेदरिंग जनरली प्रोड्यूसेस सोयल, कोर्स, वेरी कोर्स, फाइन या मीडियम सैंड। रासायनिक अपशय से सामान्यतः कौन सी मृदा पैदा होती है, परिष्कृत मृदा यानी कि फाइन सोयल। केमिकल वेदरिंग जनरली प्रोड्यूसेस, आई थिंक यही क्वेश्चन है ये, तो इसे छोड़िए। ओके, लास्ट है, एटरबर्ग लिमिट टेस्ट इज यूज फॉर क्लासिफाइंग सोयल, हार्ड, वेरी कोर्स, कोर्स या फाइन ग्रीन। एटरबर्ग लिमिट टेस्ट जो है, लिमिट टेस्ट जो है वो किस मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर होगा फाइन ग्रेन्ड सोयल का, परिष्कृत जो दानेदार मृदा होती है उसका वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एटरबर्ग लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो ये थे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। थैंक यू सो मच।